सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के मकसद से इसके निर्यात पर लगी पाबंदियों को फिलहाल अगले साल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। चीनी निर्यात पर लगे प्रतिबंध इस साल 31 अक्टूबर को खत्म होने वाले थे, लेकिन डीजीएफटी ने अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस्मा ने अनुमान लगाया है कि 2022-23 मार्केटिंग साल में चीनी का कुल उत्पादन 3,65,00,000 टन रह सकता है। उद्योग आगे की रणनीतियों के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहा था कि वो निर्यात नीति का जल्द ऐलान करे। डीजीएफटी ने शुक्रवार शाम को जारी एक अधिसूचना में अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा, कच्ची रिफाइंड और सफेद चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियों को 31 अक्टूबर 2022 से आगे 31 अक्टूबर 2023 या फिर अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित बाकी सारी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि ये पाबंदियां यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL और TRQ शुल्क रियायत कोटा के तहत किए जाने वाले निर्यात पर लागू नहीं होंगी। इन दोनों बाजारों में CXL और TRQ व्यवस्था के तहत एक तय मात्रा में चीनी निर्यात की जाती है। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ इस साल दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी रहा है। उद्योग संगठन इस्मा ने अनुमान दिया है कि देश में चीनी उत्पादन विपणन सत्र 2022-23 में 3,65,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 2% अधिक है। दुनिया में चीनी के प्रमुख उत्पादक देश भारत में विपणन सत्र 2021-22 के दौरान चीनी उत्पादन 3,58,00,000 टन रहा। वहीं एथेनॉल के लिए अधिक शीरे का उपयोग किए जाने के बावजूद इस्मा को चालू सत्र में लगभग 90,00,000 टन चीनी निर्यात होने की उम्मीद है। भारतीय चीनी मिल संघ ने कहा है कि गन्ने के शीरे और बी शीरा को एथेनॉल में बदलने के कारण चीनी उत्पादन में 45,00,000 टन की कमी को ध्यान में रखते हुए इस्मा ने वर्ष 2022-23 में करीब 3,65,00,000 टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।